नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक ऐसी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितना समय फैमिली की लाइफ के ऊपर देना चाहते हैं, कितना देते हैं। दोस्तों एक सेठ जी थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दौलत कमाने के चक्कर में निकाल दी। इतना पैसा कमाया कोई पैसे की गिनती ही नहीं थी। लास्ट समय, आखिरी समय जब हेमराज जी आए तो सेठ जी से बोला, आपकी उम्र हो चुकी है। तो सेठ जी ने बोला, मेरी कमाई का 1,00,000 रुपए ले लीजिए, मुझे समय दे दीजिए। तो हेमराज जी ने कहा, नहीं, आपका समय हो चुका है। तो फिर सेठ जी ने बोला, मेरी 1/3 कमाई ले लीजिए। तो हेमराज जी बोले, नहीं। अंत सेठ जी ने बोला, मेरी आधी कमाई ले लीजिए। तो हेमराज जी ने बोला नहीं। सेठ जी ने बोला, मेरी पूरी कमाई ले लीजिए, मुझे कुछ देर के लिए समय दे दीजिए। हेमराज जी ने बोला नहीं। तो सेठ जी ने बोला, मुझे 1 लेटर पैड लिखने का मौका दे दीजिए, मेरी सारी कमाई ले लीजिए, मुझे केवल थोड़ा सा वक्त दे दीजिए 1 लेटर पैड लिखने का। हेमराज जी ने उनको 1 लेटर पैड का मौका दिया। तो उस पता है उस सेठ जी ने लेटर पैड में क्या लिखा, पैसा लाइफ का हिस्सा है लेकिन फैमिली के साथ हमने एक पल भी नहीं गुजारा। क्या सुख, क्या फैमिली है, हमने एक वर्ड भी नहीं। क्या पैसा कमाने के चक्कर में हमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, फैमिली की लाइफ के सुख में एक दिन भी नहीं अच्छे से बिता पाया। तो दोस्तों, तो उसमें लिखा कि फैमिली से ज़रूर ध्यान देना चाहिए, पैसा लाइफ का हिस्सा है लेकिन फैमिली में ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों पैसा तो एक, तो उन्होंने ऐसा वर्ड लिखा। तो दोस्तों यही कहानी से यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, अपने फैमिली में आप कितना समय बिताते हैं वो योगदान है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर से